रेफरी की विसिल बजते स्टार्ट हुई कबड्डी और पहली कबड्डी बालकाओं की तरफ से बिना पॉइंट वापस, एक पॉइंट मिला गोरखपुर को, खाटापुला गोरखपुर का इस समय स्कोर है गोरखपुर का एक और बांसगांव का जीरो। फाइनल मैच नवयुवक नाइट कबड्डी टूर्नामेंट 2022 का फाइनल मैच खेला जा रहा है गोरखपुर और बांसगांव के बीच में। काफी शानदार रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। बहुत ही जबरदस्त टैकल थाई होल्ड किया और साथी खिलाड़ियों का सहयोग आया तुरंत और एक पॉइंट और मिला गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ दो और बांसगांव का जीरो। बांसगांव को अभी भी अपना खाता खोलना है। गोरखपुर की टीम का फाइनल तक का सफर काफी शानदार रहा है दोनों टीमों का, बांसगांव का भी। और यहाँ पर बहुत ही शानदार टैकल, बहुत ही शानदार टैकल कहा जाएगा। दोनों एंकल को होल्ड किया और साथी खिलाड़ियों से तुरंत सहयोग आया और खाता खुला, शानदार तरीके से खाता खोला बांसगांव ने। बांसगांव का स्कोर है इस समय एक और गोरखपुर का दो। काफी रोमांचक मैच चलता हुआ। फाइनल मैच 2009 नाइट कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जा रहा है और यहाँ पर जबरदस्त वहां पर टैकल किया, किसी की जरूरत नहीं थी, अकेले टैकल कहा जाएगा पहलवान खिलाड़ी अरविंद भाई का। स्कोर बढ़ता हुआ गोरखपुर का तीन और एक, दो पॉइंट की लीड है अब गोरखपुर के पास। और जबरदस्ती टैकल करना चाहते थे भाई विशिल बस्ती छोड़ गए खिलाड़ी, गरिमा का ख्याल रखें, सभी अपने भाई हैं, खेल भावना का ख्याल रखते हैं। इस समय बांसगांव का खिलाड़ी गोरखपुर के मैदान में। इस समय स्कोर है गोरखपुर का चार और बांसगांव का एक। एक पॉइंट मिला गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ पांच और बांसगांव का एक। चार पॉइंट से पीछे बांसगांव की टीम। बांसगांव को ये मैच जीतना है तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा, एकजुट होकर खेलना होगा, शानदार खेल दिखाना होगा, क्योंकि गोरखपुर की टीम काफी शानदार है, काफी शानदार फॉर्म में चल रही है, उनको रोकना इतना आसान नहीं होगा। एक पॉइंट मिला यहाँ पर बांसगांव को। बांसगांव का स्कोर बढ़ता हुआ दो और गोरखपुर का पांच। तीन पॉइंट से पीछे अभी भी बांसगांव। गोरखपुर का खिलाड़ी बांसगांव के मैदान में काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं, काफी अच्छी रीडिंग करते हैं, बीचों बीच रीडिंग करते हैं, खिलाड़ियों को बैकफुट पर ढकेल के रखा हुआ एकदम घुस के रीडिंग करते हुए और यहां पर टैकल करना चाहते थे मगर चूके। और एक पॉइंट मिला गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ छह और बांसगांव का दो, तो चार पॉइंट की लीड है अब गोरखपुर के पास। नवयुवक नाइट कबड्डी टूर्नामेंट 2022 का फाइनल मैच खेला जा रहा है गोरखपुर और बांसगांव के बीच में, जिसका अब तक स्कोर है गोरखपुर का छह और बांसगांव का दो, चार पॉइंट की लीड है। इस समय स्कोर है गोरखपुर का छह और बांसगांव का दो, चार पॉइंट की लीड है। अब गोरखपुर का स्टार रेडर अब तक दो बार दो मैच में लगातार दो दो सुपर रेड कर चुके हैं। ये तीन नंबर जर्सी का खिलाड़ी काफी शानदार है, स्टार रीडर है, क्योंकि पावर रेटिंग एक नंबर है गोरखपुर की तरफ से। इस समय स्कोर है गोरखपुर का आठ और बांसगांव का दो, छह पॉइंट की लीड है गोरखपुर के पास। तीन पॉइंट मिला यहाँ पर गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 11 और बांसगांव का दो। इस समय स्कोर है गोरखपुर का 11 और बांसगांव का दो। तो
इस समय स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से गोरखपुर का 12 और बासगांव का वहीं पर अटका हुआ 2 10 पॉइंट से पीछे बासगांव की टीम। बासगांव को कुछ दिखाना होगा, अभी तक फाइनल में ऐसा लग नहीं रहा है कि फाइनल खेल रहे हैं, काफी ऊर्जा की कमी लग रही है बासगांव के खिलाड़ियों में। अगर बासगांव को ये मैच जीतना है तो जबरदस्त खेल का मुजहरा पेश करना होगा। फरहान मुलाडिया भाई जहाँ भी हो हफीजुल्ला भाई से संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स से। फरहान मुलाडिया देख स्कोर है गोरखपुर का 12 और बासगांव का 2 और यहाँ पर एक पॉइंट और मिला, 2 पॉइंट गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 14 और बासगांव का 2, काफी तेजी से लीड लेती हुई गोरखपुर की टीम। और एक पॉइंट मिला वहां पर बासगांव को, बासगांव का स्कोर बढ़ता हुआ 3 और गोरखपुर का 14। नोईवक नाइट कबड्डी टूर्नामेंट 2022 का फाइनल मैच खेला जा रहा है गोरखपुर और बासगांव के बीच में। इस समय स्कोर है गोरखपुर का 14 और बासगांव का 3। देखना है बासगांव क्या कर सकती है, अभी तक कुछ ऐसा खेल नहीं दिखाया है जिस तरह की टीम मानी जाती है बासगांव की। 14 और दो पॉइंट मिला फिर से गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 16 और बासगांव का 3। इस समय स्कोर है 16 और बासगांव का 3। काफी मैच सुस्त होता हुआ, ये दर्शक भी बेचारे काफी शांत नजर आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है उनको। फाइनल जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह का हो नहीं रहा है, वन साइड होता जा रहा है बिल्कुल। बासगांव की टीम एकदम सरेंडर करती हुई गोरखपुर के सामने नतमस्तक हो चुकी है। और एक पॉइंट और मिला गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 15-17 और बासगांव का 3। एक पॉइंट मिला बासगांव को। बासगांव का स्कोर बढ़ता हुआ 4। इस समय हमारे बीच में मेरे लेफ्ट साइड पूर्व जिला पंचायत सदस्य महापाल भाई मौजूद हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट नवयुवक कबड्डी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 25,000 रुपए का योगदान दिया। मैं उनका पूरी कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने कीमती समय टूर्नामेंट के लिए दिया। महापाल भाई ऐसा सोशल वर्कर काफी फेमस है। एक पॉइंट मिला बासगांव को। बासगांव का स्कोर बढ़ता हुआ बहुत ही स्लोली 5 और गोरखपुर का 18। 13 पॉइंट की लीड है गोरखपुर के पास। फेंक दिए आपकी मित्र, फेंक दिए का भैया। एक पॉइंट मिला गोरखपुर को। गोरखपुर का स्कोर बढ़ता हुआ 19 और 5 बासगांव 5। काफी धीरे धीरे मैच गोरखपुर की गिरफ्त में जाता हुआ, 14 पॉइंट से पीछे है गोरखपुर की बासगांव की टीम। बासगांव को ये मैच जीतना है तो कुछ करना होगा, सुपर रेट करनी होगी, एक नहीं दो नहीं तीन करनी होगी। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर
बहुत अच्छा वहाँ पर सामने से अकेला एक ऑल आउट किया, वहाँ पर 3 पॉइंट मिला। और मैं आपको बता दूं, नौ युवा नाइट कबड्डी टूर्नामेंट की 2022 की विनर टीम है।